हेलो दोस्तों, अगर आप भी हो अपने मोबाइल में गाने सुनने के शौकीन तो ये वीडियो अब आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं मोबाइल की एक ऐसी अमेजिंग एप्लीकेशन के बारे में जो कि इतनी कमाल की एप्लीकेशन है, जो कि आई एम श्योर इस एप्लीकेशन को आप इस वीडियो में देखोगे तो आप भी खुद हैरान हो जाओगे, क्योंकि इस एप्लीकेशन की मदद से आप गाने बजाने का अंदाज पूरा चेंज कर सकते हो और डीजे में गाने की तरह अपने मोबाइल में गाने को बजा सकते हो। आज आपने सही सुना, तो कौन सी एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता दूं। उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को आपको लाइक कर देना है। जैसे ही लाइक कर देते हो फिर आपको यहाँ पे एक नीचे एक कमेंट कर देना होगा, जो कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको लिख सकते हो डीजे म्यूजिक ट्रिक करके, फिर आपको अपना स्पेस देके अपना नाम लिख देना है, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि आप हमारा वीडियो देखते हो। जैसे ही आप कमेंट कर देते हो डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी जो कि प्ले स्टोर की लिंक, वहाँ से ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड कर लोगे फिर मैं आपको बता दूँ कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है, क्योंकि जैसे ही ये एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने आपके मोबाइल का म्यूज़िक प्लेयर यहाँ पर ऑन हो जाएगा, क्योंकि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मामूली म्यूज़िक प्लेयर नहीं है। जैसे कोई भी एक गाने को सिलेक्ट करोगे, जैसे कि सपोज मैंने गाने को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जब आपको यहाँ पे प्ले कर देना है, जो कि मैं यहाँ पे प्ले नहीं कर सकता जो कि मुझे यहाँ पे कॉपीराइट आ सकती है, इसके लिए आपको यहाँ पे प्ले कर देना है। जैसे ही आप प्ले के ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप ईयरफोन में यूज़ करते हो तो आपको यहाँ पे ईयरफोन वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा, फिर यहाँ पे इसे साउंड इफेक्ट को ऑन कर देना है। जैसे कि अगर आपका फ़ोन 5000 का हो, 10000 का हो या फिर 50000 का हो, यहाँ पे आपका जो म्यूज़िक का एक्सपीरियंस होगा वो इतना कमाल का हो जाएगा। जैसे कि सपोज डीजे यहाँ पे देख सकते हो 3D रिवर्स, यहाँ पे प्योर वॉइस, आपको अपने हिसाब से आपका जो भी मनपसंद यहाँ पे टोन होगा, इफेक्ट होगा, वो आपको सिलेक्ट कर देना है। और जो दूसरी खास ट्रिक मैं आपको बता दूँ, जैसे ये सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करोगे फिर मैं आपको बता दूँ, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन पे आ जाते हो, ये ऑप्शन को अलाउ कर देते हो, अलाउ करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रूम सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि आप कौन सी जगह पे यहाँ पे गाने को बजा रहे हो। जैसे कि अगर आपका रूम यहाँ पे बहुत ही बड़ा है तो लार्ज रूम सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे लार्ज हॉल सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपके जो मोबाइल का स्पीकर का आउटपुट होगा वो भी बहुत ही अमेजिंग सा होगा। और यहाँ पे बेस को आप बड़ा कम कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, रिवर्स आप कर सकते हो, जो कि आप अपने मोबाइल को ही डीजे की तरह बजा सकते हो गाने को। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इससे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना भूलेगा। रोजाना मैं चैनल पे टेक क्रिएटिव वीडियोस ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।